छोड़ पाएंगे छोड़ दे माइक नीचे करो थोड़ा माइक नीचे रखिए बच्चो आप छोड़ दे खुद करेंगे अनुमति आज सुप्रीम कोर्ट का एक सेनेट इलेक्शन के हवाले से फैसला आ गया है सबसे पहले उस पर आप क्या कहेंगे दूसरा आप ही की पार्टी के एक रुकन शब्बीर कुरैशी ने आप पर कल एक इल्जाम लगाया है उस पर भी कुछ बात कही बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नस्र में नंदाए व फतवन करीब मैं समझता हूँ कि पूरी कौम ने या चुप करा दो पूरी कौम ने ये देख लिया ये साबित हो गया कि नया पाकिस्तान क्या चाहता है हमारा कप्तान क्या चाहता है तहरीक इंसाफ क्या चाहती है हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं हम चाहते हैं कि किसी किस्म की भी चोरी ना हो हत्ता के वोट की भी चोरी ना हो और हमारा सदारती ऑर्डिनेंस जो था वो इसलिए था कि अगर सुप्रीम कोर्ट मैं बताता चलूं सब कहते हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस क्यों आया सदारती ऑर्डिनेंस इसलिए आया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी डायरेक्शन दे तो कहीं टाइम बार ना हो चुका हो तो सदारती ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट से राय ली गई थी आज सुप्रीम कोर्ट ने मोजिस आला अदलिया ने यह फैसला दिया चूंकि आर्टिकल 226 के तहत खुफिया राय शुमारी होनी है और आर्टिकल 222 के तहत पार्लियामेंट को इख्तियार है लेकिन मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी जो असेंबलियों में है उसके हिसाब से सेनेटर्स आने चाहिए दूसरा उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि अगर ये गंद का खात्मा होने जा रहा है पाकिस्तान की सियासत में इस पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में ये जो गंदा धंधा है कि लोग मौजूद एमपीए एमएनए साहिबान को खरीद कर आला सेनेट में पहुंचते हैं जो सबसे बड़ी हमारी बॉडी है जब उनको पैसों के जरिए आए होंगे तो वो सूबे के हकूक की बात नहीं करेंगे वो वतन के हकूक की बात नहीं करेंगे वो तो उस नोट के हक की बात करेंगे जिस नोट के ऊपर जीत के आए होंगे मैं समझता हूं पूरी कौम ने देख लिया कि इमरान खान हमेशा हुकूमतों को सूट करता है क्योंकि हुकूमत के पास इख्तियार होते हैं हुकूमत बहुत ही बाख्तियार होती है कि वो ये इस हॉर्स ट्रेडिंग में छांगा मांगा की सियासत में इस खोता ट्रेडिंग में इस गंदे धंधे में हुकूमतें अपना हमेशा मुकाला करती रही हैं आज तक इस गंदे धंधे में इस दलाली में हुकूमतों के मुंह काले होते रहे पहली दफा सलाम पेश करता हूं अपने कप्तान को कि और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने एक पहल की कि हम चाहते हैं कि इस गंदे धंधे का खात्मा हो और मुझे उम्मीद है जो मैंने अटॉर्नी जनरल साहब जो कि कोरोना में उन्होंने बातचीत की है चैनल से कुछ उन्होंने कहा है कि अब इलेक्शन कमीशन पर बार है कि वो कैसे इंश्योर करते हैं देखिए माजरत के साथ हलफनामा बिल्कुल मौजूद है लेकिन इस असम्बली में भी हम सब हलफ उठाते हैं वज़रा हलफ उठाते हैं और अल्लाह माफ़ करे एक देसी हलफ होता है एक ये पढ़ा लिखा हलफ होता है लगता है उस पढ़े लिखे हलफ को लोग हलफ नहीं समझते अफसोस की बात है हलफ की जितनी जो माशी दहशतगर्दी है मैं जो करप्शन है वो करप्शन से हट के इस वक्त मैं कहता हूँ ये जो सियासतदान जो मिनिस्टर हैं जो पुराने रहे हैं जो करप्शन में हैं वो सब माशी दहशतगर्द हैं इस वक्त असम्बलियों में हमारे साथ माशी दहशतगर्द बैठे हुए हैं जो कि करप्शन करके आते हैं तो मैं आज समझता हूं कि एक जीत हुई है हमारी फतह ये हुई कि हमने इस गंदे धंधे को ख़त्म करने के लिए कोशिश की और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बार कोड लगेगा मुझे उम्मीद है क्योंकि सीरियल नंबर लगेगा और एक और जो उन्होंने कहा कि जो खुफिया जो राय शुमारी है वो हतमी नहीं है हमेशा के लिए बात यह है कि हम पहले कर चुके 20 MPAs को फारिग कर चुके तो मैं समझता हूँ कि अब ये तय हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे इलेक्शन कमीशन से अपील करता हूँ खुदा के लिए क्यों हम ऐसा काम करते हैं कि हम बदनामी हमारे आज नोट पूरी दुनिया में चल रहे हैं कि हम बिकते हैं हम बिकाऊ माल नहीं है हम MPAs हैं हम हजारों लोगों के वोट लेकर आते हैं हम लोगों की उम्मीदों के लिए यहाँ आते हैं तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम सर मनोवन का तस्लीम करते हैं और हम समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर कोई बात करेगा दूसरी बात आती है मैं बताता चलूँ कि जो हलफनामा है मैंने आज पढ़ा सुना कि लोग बता रहे थे रास्ते में कि जो इसकी रुगर्दानी करेगा वो नाहल होगा तो पीपल्स पार्टी के एक दो वज़रा हमारे MPAs को टेलीफोन किए हैं उन्होंने और इंशाल्लाह और हमारे MPAs को सलाम मैं पेश करता हूं कि उन्होंने उनको ऐसी की है जो कि करनी चाहिए थी
उन्होंने कहा कि हम बिकाऊ माल नहीं है, तुम लोग करप्शन की पैदावार हो, तुम लोग, तुम्हारे पास हराम का कमाया हुआ माल है, तुम्हारे पास सिंध के खून पसीने के, सिंध के अवाम के खून पसीने से चूसा हुआ माल है, हम हराम का निकलो। तो इसमें सईद खनी सरे फहरिस्त है, सईद खनी ने कुछ लोगों को टेलीफोन किए हैं और इंशाल्लाह जो मुझ तक मालूमात आई हैं, हम इनको, सईद खनी साहब को भी हम चाहेंगे कि अव्वल तो उनको जो जवाब मिलना था, इनको पता चल गया कि हमारे MPS कप्तान के सिपाही हैं, हमारे MTS खिलाड़ी। और देखें अलमिया, पंजाब में भी एडजस्टमेंट हो जाती है, सिंध में वज़ीर आला कहता है हम 10 सीटें लेंगे, भाई कहाँ से लोगे, चोरी करोगे ना। रावल साहब कहते हैं 50% से ज़्यादा लोग हमारे साथ मौजूद, हम लोग रबते में हैं। बड़े ये बेनज़ीर के पैरोकार हो या किसके पैरोकार हो, भुट्टो के पैरोकार हो, COD बेनज़ीर ने किया, COD POD गया भाड़ में। नासिर शाह कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मतलब ये वो हैं जो बबांगे दोहल चोरी का ऐलान कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बबांगे दोहल वोट। अच्छा दूसरी बात, MQM, इस असम्बली में मैं देखता रहता हूँ कि MQM के बारे में जो पीपल्स पार्टी की क्यादत के बयानात होते हैं, अल्लाह माफ़ करे, MQM के बारे में क्या कुछ ये लोग नहीं कहते, और कल एक सीट के चक्कर में नाक रगड़ रहे हैं, सलीस अल्फाज में कहते हैं घीसी कर रहे हैं, घीसी, घीसी का पता है ना मतलब आपको, घीसी कर रहे हैं, नाक रगड़ रहे हैं जाके कि सीट दे दो हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिसको गलत समझते हैं, हम उसको गलत समझते हैं, सेनेट इंशाल्लाह अल्लाह ताला फतह देगा, लेकिन जो गलत है, जो समय हम समझ सकते हैं कि जो माशी दहशतगर्द, मैं करप्ट लोगों को, चूंकि मैं जो सियासी दहशतगर्द बना दिया गया है, तो इस दौरान मैं समझ सकता हूं कि मैं तो एक सियासी दहशतगर्द हूं ना, मैं टेररिस्ट हूं, मैं 780 का मुलजिम हूं कि मैंने दहशतगर्दी की है इलेक्शन में। तो मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह करेगा मेरा तो फैसला आ जाएगा इंशाल्लाह, हक इंसाफ का होगा, लेकिन माशी दहशतगर्दों का फैसला होगा और इंशाल्लाह कानून में तरमीम करेंगे। मैं कहता हूं जैसे 780 है, एक 420 भी डालेंगे, 420 ATA डालेगी इनके लिए। शबीर कुरैशी ने कल आपके बारे में कहा, जब दौराने में शबीर कुरैशी ने कहा कि हम पर शक किया जाता है, हमसे बार बार हल्फ का तकादा किया जाता है, आपका नाम लेकर उन्होंने कहा कि वो हमारे को जो है डिग्रेड कर रहे हैं। देखिए हमारे अंदर के मामलात हैं, मैं अपोजिशन लीडर हूँ, मैं बेशक पाबंद सलासल हूँ, लेकिन मैं, मुझे चीज़ों को देखना है। तो वो हमारा छोटा भाई है और शायद उनको गलत समझे होंगे, पीपल्स पार्टी ने हमारे कुछ मोजिज़ अरकान के नाम फ्लोट किए, मतलब आपसे कह रहे हैं कि जी वो तैयार हो गया, उससे कह रहे हैं वो तैयार हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह 30 के 30 MPAs इंक्लूडिंग शबीर कुरैशी जिनका अपना नाम लिया, ये सब इमरान खान के टाइगर्स हैं। तो बात यह है कि ये इस वक्त बहुत सारी वो फैलाई जा रही होती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें पता है हमें क्या करना है, हमें किसी पे शक नहीं है, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम MPAs, हमारे तमाम MNAs इंटैक्ट हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो गंदा धंधा खेल रही है ना, वो MQM से ना कामयाब होगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इत्तेहादी GDA MQM PTI हमारे इंशाल्लाह मतलूबा नतीजे हासिल करेंगे। अच्छा ये बता दें, कल खुर्रम शेर जमान ने भी बड़ा दावा किया है कि 12 अराकीन उनसे रबते में है और 12 अराकीन का ताल्लुक हुकूमती जमात से है, वो अपने जो कैंडिडेट से उनको उनको वोट नहीं देंगे बल्कि PTI के उम्मीदवारों को देंगे। देखिए मैं चूंकि अंडर कस्टडी हूँ तो मुझे नहीं मालूम का किसका किससे रबता है, मेरा तो नर्सों से, डॉक्टर से, पुलिस वालों से, कस्टडी वालों से रबता है, मैं तो उन्हीं के बारे में बता सकता हूँ। आपने इल्जाम लगाया कि सईद गनी ने जो है कांटेक्ट किया आपके MPA से, कांटेक्ट करना बुरी बात नहीं, आपने ऑफर भी दिए। इब्तदा इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है। इनको, हम इनके गंदे चेहरों को, इनके मकरूह चेहरों को हम बेनकाब करेंगे, वक्त आने के ऊपर सब कुछ बताएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ, परसों बड़ा तूफान बदतमीज़ी मचाया गया और मैं कहना चाहता हूँ कि असम्बली के अंदर जो WWE रेसलिंग का मुजाहरा किया गया वो शर्मनाक है। फिर मैंने देखा कि गुरहम शेर जमान ने ऐसी क्या गलत बात की, उन्होंने तो ये कहा था कि सिंध में शायद कुत्तों का राज है। बात यह है कि भाई ऐसा क्या हुआ, तो फिर मैंने सर्च किया, मैं कहता हूँ सिंध वासियों, मैं आपसे कहता हूँ कि अफसोस की बात, मैंने देखा कि यार हमारा सिंध कहाँ टॉप पे है, ज़रा चेक करते हैं सिंध हमारा कहाँ नंबर वन है। बहुत सारी चीज़ें देखी, कंस्ट्रक्शन, डेवलपमेंट, हेल्थ, कहीं नहीं। मैंने लिखवाया गूगल के ऊपर, आप सबसे कहता हूँ गूगल पे लिखें जाकर, मतलब सिंध को अगर टॉप पे कहीं देखना है तो आप गूगल पर भी लिखिए अभी अभी जाकर डॉग बाइट केसेस, अफसोस की बात है सिंध नंबर वन, डॉग बाइट केसेस लिखा है, 1,50,000 डॉग बाइट केसेज रिपोर्टेड इन सिंध दिस ईयर, मतलब सिंध जो टॉप कर रहा है इस
करप्ट गवर्नमेंट के उसमें कि कुत्तों के काटने के केसेस में सिंध नंबर वन है, तो मैं कहना चाहता हूं तो फिर सिंध में कुत्तों का राज नहीं है तो क्या है? सिंध को कुत्तों के रहमो करम पे छोड़ दिया निगाह नहीं है तो क्या है? मतलब और बताएं, मुझे बताइए नंबर वन। मैं अपने सिंधी भाइयों से भी कहता हूं अपने कि जो लिखे जाके कि सिंध को ढूंढे, सिर्फ एक जगह सिंध नंबर वन नजर आता है कि सिंध के अंदर कुत्तों के केसेस नंबर वन है। ये पूरी दुनिया में हमारी शनाख्त इस गवर्नमेंट ने कर दी है। इंशाल्लाह ये चाहते थे कि शायद हलीम आदिल शेख की आवाज़ बंद कर देंगे, ये समझ सकते थे हलीम आदिल को ढीला कर देंगे, ये समझ सकते क्या मेरा झगड़ा क्या था। मेरा झगड़ा ये था कि मैं हक बोलता था, मैं सच बोलता हूँ, मैं बेनकाब करता हूँ, मैं सेवन जाता हूँ, मैं नवाबशाह जाता हूँ, मैं लाड़काना जाता हूँ, मैं थर जाता हूँ, मैं गरीबों के पास जाता हूँ, मैं मिस्किनों के पास जाता हूँ, मैं स्कूलों में जाता हूँ, मैं अस्पतालों में, ये मेरा गुनाह था, ये गुनाह मैं करता रहूँगा। और मैं कहता था कि मेरे साथ कुछ ऐसा ना करना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मजीद इस्तकामत दे दी है, मजीद ताकत दे दी है, और मैं इंशाअल्लाह अब भी जब भी आऊँगा इंशाअल्लाह पहले अगर आधा करता था इनको, इंशाअल्लाह एक पूरे सिंध में सिंध को इस करप्शन से, इन चोरों से, इन डाकों से निजात दिलाऊंगा। और मैं समझता हूँ मेरे जज्बे जवान हैं, मेरी पार्टी मेरे साथ है, मेरा कप्तान मेरे साथ है, मेरे MPs मेरे साथ हैं, मेरे वर्कर्स मेरे साथ हैं। दूसरी बात, कल इन्होंने एक हमारे कोरंगी के सदर के ऊपर FIR काटी है, इन्होंने हमारे राजा अजहर साहब पे FIR काटी है। सिंध पुलिस इनकी गुलाम बन चुकी है। ये सब ये समझ रहे हैं कि पुलिस ऑर्डर 2019 के बाद इन्हें जिसको किसी को IG बनना है, किसी को उसकी जगह एडिशनल IG बनना है, किसी को कुछ करना है, ये सब तलवे चाट रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मेरे वर्कर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ बंद करो। सिंध पुलिस से और कराची पुलिस से कहता हूँ मेरे MPs के खिलाफ कार्रवाइयाँ, मुझसे जो करना है 5-8-10 केस और बना लो। हलीम आदिल अंदर पड़ा है उसको बनाते रहो, इंशाल्लाह मुझे कोई फिक्र नहीं है। मुझे जेल भेजना है, यहीं से भेज दो। लोग कहते हैं जी ज़्यादा बात ना करो, जेल भेज दे यार, जेल भेज दो। जिस दिन कबर में है वो कबर में है, जिस दिन खोली में है वो खोली में है। लेकिन इन्होंने विक्टिमाइजेशन ऑफ PTI वर्कर स्टार्ट की हुई है। इंशाल्लाह इतने बड़े पैमाने पर इनको देखें कि इनको याद रखेंगे इंशाल्लाह।